तो गाइस आईपीएल 2020 के तीसरे मुकाबले में श्रेयस अय्यर का जो शोल्डर था वो डिसलोकेट हुआ था। और गाइस आज के इस वीडियो में बात होने वाली है उनके इंजरी अपडेट को लेके। हाँ गाइस, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आज का जो मुकाबला होने वाला है दिल्ली का चेन्नई के साथ, क्या उसमें श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आने वाले हैं या फिर होने वाले हैं वो बाहर, इसी बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात होने वाली है। तो गाइस सबसे पहले बात करने वाले हैं कि उन्हें चोट लगी कैसे थी। तो गाइस हमने अच्छी तरीके से देखा था कि डाइव मारने के चक्कर में इनका जो लेफ्ट शोल्डर था वो डिसलोकेट हो गया था और एक समय पे वो पूरी तरीके से जैम हो गया था, वो हिल नहीं रहा था। लेकिन वो अंदर जाने के बाद उनका थोड़ा सा फ्री हुआ, उसके बाद वो थोड़े से नॉर्मल हुए। लेकिन गाइस उसके बाद हम बात करें, उसके बाद कप्तानी करते हुए नजर आ रहे थे दिल्ली कैपिटल्स की शिखर धवन। और शिखर धवन से जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पूछा गया था कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या श्रेयस अय्यर की इंजरी अपडेट को लेके, तो गाइस शिखर धवन का कहना है कि अभी भी वो पेन में है, यानी उन्हें भी अभी भी दर्द हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनका जो शोल्डर जो डिसलोकेट हो गया था, जो जैम हो गया था, वो पूरी तरीके से फ्री हो गया है, यानी अब वो पूरी तरीके से मूव कर रहा है, कहीं भी मूव कर रहा है, तो इसलिए वहाँ पे उनको कोई दिक्कत नहीं है, यानी वो पूरी तरीके से ठीक है। लेकिन इसका जो रिपोर्ट आने वाला है वो अगले दिन आने वाला है, यानी कि उनका रिपोर्ट अभी तक आया नहीं था। यानी जो मैच हुआ था वो वेडनेसडे को हुआ था, उनका रिपोर्ट आ रहा था थर्सडे को। तो गाइस रिपोर्ट में अब बताया क्या हुआ है, तो रिपोर्ट में ये निकला है कि श्रेयस अय्यर का कंधा फ्रैक्चर नहीं है, पूरी तरीके से ठीक है, वो खेलने वाले हैं, लेकिन अभी उन्हें एक से लेकर दो मुकाबले में रेस्ट चाहिए। हाँ गाइस श्रेयस अय्यर ये मुकाबला मिस करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो इंजरी अपडेट है वो तो पूरी तरीके से नॉर्मल है, लेकिन ये मुकाबला श्रेयस अय्यर मिस करने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि इन्हें एक या दो मैच के लिए इन्हें रेस्ट चाहिए, वरना अगर इस पे वो लगातार अगर प्रेशर डालेंगे इस कंधे पे तो आगे आने वाले मुकाबलों में ऐसा हो सकता है कि श्रेयस अय्यर 3 से लेकर 4 महीने तक भी बाहर हो सकते हैं। सो गाइस ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए बुरी खबर है, क्योंकि श्रेयस अय्यर 2 या 3 दिन मैच में अगर नहीं खेलेंगे, और जहाँ पे हम बात कर लें ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत पहले ही से चोटी चल रहा है, यानी दिल्ली के लिए अभी जो बादल हैं वो अभी काफ़ी ज़्यादा काले हैं। लेकिन अभी दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि इनकी जो टीम अच्छे से परफॉर्मेंस दे रही है, और इसलिए ऐसा लग रहा है कि श्रेयस अय्यर की उतनी ज़्यादा कमी महसूस नहीं होने वाली है, लेकिन बाय द श्रेयस अय्यर द कैप्टन की काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस होने वाली है दिल्ली कैपिटल्स की। सो भाई फाइनली आप बताइए कि श्रेयस अय्यर के ना रहने के बाद कितना ज़्यादा घाटे में पड़ने वाली है दिल्ली। दोस्तों आपकी क्या है राय कमेंट बॉक्स को जरूर कमेंट करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।